हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कौन सी सीरीज चाहिए। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में देखते हैं कि मार्शल एक्सप्लेन करता है क्लाउस को सिटी कैसे काम करती है। बोलता है यहाँ पर बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं देश भर से और वहां पर कुछ लोग आते हैं सिर्फ पार्टी के लिए। उन पार्टी में से कुछ चुनिंदा लोगों को अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाते हैं अपने क्वार्टर्स के अंदर। वहां पर पार्टी के बाद रात को जब 12 बज जाते हैं तो जितने भी उनके नाइट वॉकर्स हैं उन सब पे फीड करते हैं और एक तरह से उनका बफे लगता है इंसानों का जिन पे वो फीड करते हैं। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तो अच्छी बात है फीड करते हैं, बट इतनी सारी ग्रेव को कहां रखते हो इन लोगों को मारने के बाद। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है हम सबको मारते नहीं है, उनको थोड़ा वैम्पायर ब्लड पिलाते हैं जिनसे उनके घाव हील हो जाए और उनको वापस कंपल्शन करके छोड़ देते हैं और ये पार्टी कभी खत्म नहीं होती है। अगर एक बार मान लो कुछ ज्यादा लोग मर गए तो यहाँ पर टूरिज्म खत्म हो जाएगा और नए लोग नहीं आएंगे। और ये कहने के बाद बोलता है हमारे डेली का चलता रहता है और यहाँ पर सब वैम्पायर भी खुश रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो मार्शल का पर्सनल था वो आके बोलता है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे 6 नाइट वॉकर्स की डेथ हो चुकी है और किसी को नहीं पता उन्हें किने मारा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब क्लाउस भी टेंस हो जाता है कि ये किसने कर दिया। अब हम देखते हैं रिबेका को जिसके फेस पे थोड़ा सा एक ब्लड लगा हुआ था, ब्लड को लेती है, लिक करती है और वहां पर गाड़ी में आ रही थी न्यू ऑर्लियंस की तरफ। और तभी हम देखते हैं वो अपने घर की तरफ उतरती है और एलाइजा को एक और वॉइस मैसेज भेजती है कि तुमने मुझे इतने दिन से इग्नोर किया है एलाइजा, तुम मेरा फोन उठाओ और मुझे बताओ वरना मैं घर पे आके सीधा तुम्हें लात मारूंगी और तुम हो कहां पर। तभी हम देखते हैं गेट खोल के अंदर आती है और वहां पर वो हेली को देख के बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ की मेड हो, मेरा सामान लेके आओ गाड़ी में से। और ये बोलने के बाद वो हेली बोलती है मैं तुम्हारी शायद मेड नहीं हूँ। और ये बोलने के बाद बोलती है अच्छा तो तुम वो लिटिल वुल्फ हो जो प्रेग्नेंट है और जिसके लिए एलाइजा बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है। तभी फिर हेली बोलती है कौन सा इतना एलाइजा अपनी बात का पक्का है, उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अपनी फैमिली के बारे में शेकी मार रहा था कि वो बहुत ज्यादा नोबल है और एक तरह से मेरी प्रोटेक्शन करेगा, बट उसी दिन वो पता नहीं कहाँ चला गया और मैंने गलती की एक वैम्पायर पे यकीन करके और वो उस दिन से गायब है और अब तक आया नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है तुम मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना, एलाइजा बहुत नोबल है, अपने वर्ड्स का पक्का है, वो कहीं गया होगा तो किसी रीजन से गया होगा। और ये कहने के बाद हेली बोलती है हाँ मुझे क्लाउस ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गया और शायद बाद में आएगा। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है क्लाउस ने बताया तुम्हें ना, तो मैं समझती हूँ क्लाउस ने कुछ किया है और शायद उसको गायब किया है क्लाउस ने। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है क्लाउस तुम कहाँ बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरा भाई एलाइजा कहाँ पर है और तुमने उसे कहाँ छुपाया है और इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। तभी हम देखते हैं क्लाउस गेट खोलते हुए स्माइल करते हुए आता है कि ओ रिबेका तुम घर आ गई, वैसे आई क्यों हो तुम और यहाँ पर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मैं मेरे भाई के लिए आई हूँ सिर्फ और एलाइजा कहाँ पर है, मुझे उसे मिलना है और तुमने उसे कहाँ मार के रखा हुआ है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैंने उसको कहीं भी नहीं रखा हुआ, चाहो तो तुम ढूंढ लो, वैसे भी मुझे पता चला कि आज तुमने 6 लोगों को मार दिया, एक तरह से वो वैम्पायर्स थे। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ मैंने मार दिया, वो एक इनोसेंट बच्ची जो अपने घर जाना चाह रही थी कार में उसको एक तरह से हॉन्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद मैंने उन चारों को इजीली मारा और 2 को बहुत भयानक मौत मारा है। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे एलाइजा से मिलना है, मुझे जाने दो। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है शायद किसी कमरे में सो रहा हो, तुम जाके चेक कर लो। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका ऊपर जाने लगती है और तभी क्लाउस कहता है तुम्हें याद है घर 1820s में जब हम यहाँ पर फर्स्ट आके रहने लगे थे और वहां पर हमारे गवर्नर ने कैसा स्वागत किया था। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ मुझे अभी भी याद है 1820s का वो दिन जहाँ पर हम यहाँ पर नए नए आए थे और वहाँ के गवर्नर सबसे बड़ा बेवकूफ ने हमको वैम्पायर्स को माफ कर दिया था गोल्ड के बदले में। और ये कहने के बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं न्यू ऑरलियंस का 1820s का। अब रिबेका बताने लगती है कि मुझे पता है गवर्नर ने कितनी बड़ी बड़ी पार्टी दी थी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए क्लाउस, और वहां पर तुम कितनी लड़कियों को ब्लड पीते थे और उस टाइम पे तो एक टाइम पे एलाइजा भी खुश था और मैं भी खुश होने वाली थी, बट तुमने मेरी खुशी देखी नहीं गई। तभी हम देखते हैं कि उस बैक सीन में गवर्नर के बेटे के साथ अब आ जाती है रिबेका और बोलती है मुझे इससे प्यार है और हम इसको वैम्पायर में टर्न कर देंगे और हमारे साथ रखेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब एलाइजा और क्लाउस दोनों हंसने लगते हैं और तभी क्लाउस बोलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और वहीं पर एलाइजा बोलता है कि हमारे सिंस एक तरह से छुपाए गवर्नर ने, इसलिए नहीं कि हम उसके खुद के बेटे को एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दें, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है मुझसे सच्चा प्यार हो गया इस बार और प्लीज मुझे इसको अपने साथ रखने दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि अगर तुम्हारा सच्चा प्यार हर दूसरे इंसान के साथ होगा ना तो सब वैम्पायर बन जाएंगे और एक भी ढंग का ह्यूमन नहीं बचेगा फीड करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा गुस्से में आ जाता है गवर्नर का बेटा और कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद क्लाउस उसकी गर्दन पकड़ता है और उसको दूसरे फ्लोर से जमीन पे फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के हम देखते हैं कि अब रिबेका रोने लग जाती है और वहीं पर एलाइजा उसको मना कर रहा था बट वो किसी की भी सुनता नहीं है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं प्रेजेंट सीन में
अभी भी क्लाउस बोलता है कि मुझे तो वो बंदा तब भी अच्छा नहीं लगा था और अब सोचता हूँ तो मैंने सही किया। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ तुम्हें तो कोई बंदा पसंद ही नहीं आता ना मेरे लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब क्लाउस के पास फोन आया था मार्सेल का और मार्सेल उसको फिर से ड्रिंक पे बुला रहा था। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम तो उसका एम्पायर छीनने वाले हो ना, तुम कब से साथ में ड्रिंक करने लग गए और मुझे एलाइजा ने सारा प्लान बताया तुम्हारा, तुम क्या क्या करने वाले हो पार्ट बाय पार्ट। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, बट जब दो दोस्त एक साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं तो अपने आप सारे सीक्रेट खुलने लगते हैं और मुझे पता करना है कि वो विचेस को कैसे कंट्रोल करता है जो शायद कोई भी आज तक नहीं कर पाया है। अब हम देखते हैं क्लाउस के जाने के बाद रिबेका बोलती है वुल्फ गर्ल तुम मेरी हेल्प करो, एक तरह से मुझे घर के अंदर एलाइजा को ढूंढना है। तभी हम देखते हैं बेसमेंट के अंदर जाते हैं जहां पर एक बड़ी सी कॉफिन रखी हुई थी, इसको देख के हम देखते हैं कि वो बोलती है शायद इसको मार दिया है। तभी रिबेका बोलती है नहीं मारा है, हम मर नहीं सकते हैं, हमको सिर्फ कुछ टाइम के लिए सुहाया जा सकता है लंबे टाइम के लिए वो एक सिल्वर डैगर से। और ये कहने के बाद बोलती है कि ये मेरा भाई करता रहता है और ये मेरा कॉफिन है। और ये कहने के बाद हेली बोलती है तुम्हारे कॉफिन उसके पास पहले से रेडी रहते हैं? रिबेका बोलती है हाँ उसके पास हमेशा एक कॉफिन रेडी रहते हैं, जैसे हमने कोई गलती की हम चले गए पूरे 10-15 साल के लिए इस डिब्बे के अंदर और पिछली बार तो मैं 90 साल में उठी थी। ये कहने के बाद बातचीत करने लगते हैं और बोलती है रिबेका कि ये फैमिली थोड़ी साइकिक है ही और तुमको आने में पहले पता कर लेना चाहिए था कि अगर एलाइजा नहीं है तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और ये कहने के बाद हेली बोलती है हाँ मैं भागना चाहती हूँ बट न्यू ऑरलियंस वाली विचेस ने एक तरह का स्पेल रखा है कि अगर मैं न्यू ऑरलियंस से बाहर गई तो मैं मर जाऊंगी। और ये कहने के बाद बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है इस बात की। और तभी रिबेका बोलती मुझे इस चीज की चिंता नहीं है, मैं तो सिर्फ एलाइजा को ढूंढने के लिए आई हूँ, एलाइजा मिलेगा तभी मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊंगी टाउन को। और तुम्हें क्या लगता है कि क्लाउस बच्चा लेने के बाद तुम्हें क्या जिंदा छोड़ेगा? वो तुम्हारे भी ऐसी कॉफिन बिछा के रख देगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है हेली। अब हम देखते हैं कि सोफी को जो अपने रेस्टोरेंट के अंदर थी और वहां पर हम देखते हैं रिबेका आती है और रिबेका से डर के चाकू उठाती है, बट तभी उसका हाथ रोकती है रिबेका और कहती है तुम मुझे शायद जानती हो। और तभी सोफी बोलती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। और तभी हम देखते हैं सेमेट्री में वॉक करते हुए रिबेका बोलती है कि मुझे पता लगाना है एक डैगर के बारे में जो मेरे भाई एलाइजा को मारा है मेरे भाई ने, और वो एक तरह का सिल्वर ऑब्जेक्ट है। ये कहने के बाद सोफी बोलती है कि मैजिक करना हमें अलाउड नहीं है, हमको एक तरह से मार डालेगा मार्सेल। और बोलती है मार्सेल कब से यहाँ का राजा बन गया? और ये कहने को बोलती है हाँ अब उसका राजा अगर मैंने स्पेल किया तो मैं मारी जाऊंगी। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम्हें पता है अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं मार सकती हो तुम क्योंकि मैं लिंक हो चुकी हूँ हेली से। और ये कहने के बाद बोलती है हेली कौन? बोलते हैं वही वेयरवुल्फ। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है अच्छा एलाइजा चाहता है उसको जिंदा इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट तुम्हें नहीं पता सिचुएशन क्या हो चुकी है कि मैं मेरे भाई को ढूंढ के ये टाउन छोड़ के जाना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सोफी बोलती है कि इस टाइम तो मार्सेल राज करता है इस टाउन के ऊपर और उसी की चलती है। और ये कहने के बाद बोलती है कि मुझे पता है बट एक तरह से क्लाउस उसको टेक डाउन कर लेगा। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है तुम पागल हो गई हो, कभी भी टेक डाउन नहीं करने वाला क्लाउस मार्सेल के ऊपर, मार्सेल उसके बेटे जैसा है ना कि बस सायर्ड है। और ये कहने के बाद एक हिस्ट्री बताती है जब वो पहली बार मार्सेल से मिले थे और बताती है कि उसने पहली बार मार्सेल को देखा था और उसने अपने बेटे को जैसे एक्सेप्ट किया था। तभी हम एक पास्ट का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां पर गवर्नर की बेटी की डेथ हो चुकी है, जिसमें हम देखते हैं रिबेका बहुत बुरी तरह से रो रही है क्योंकि वो उसके साथ प्यार करती थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बच्चे को जो ब्लैक रेस से बिलोंग करता है उसको हंटर से मारा जा रहा था, जिसको देख के हम देखते हैं कि क्लाउस की नजर उस पर पड़ती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है और वहां पर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं बच्चा वापस उसका एप्पल फेंक के मारता है जो उसे हंटर मार रहा था और एक तरह से लड़ने के लिए तैयार था। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से हंटर मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं क्लाउस उसको एक पत्थर फेंक के मारता है जिससे उसका सर में लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस उसके पास आता है और बच्चे को उठाता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। और ये कहने के बाद वो बच्चा बोलता है मेरा कोई नाम नहीं है और मैं सिर्फ 10 साल का हूँ। तभी हम देखते हैं बोलता है कि वॉरियर का तो नाम होना चाहिए, तुम एक रिबेल कर चुके हो और तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारा नाम मैं रखता हूँ मार्सेल। और ये मार्सेल का मतलब होता है मार्स का वॉरियर, क्योंकि मार्स एक प्लैनेट है जिसको सिंबलाइज किया जाता है कि एक वॉर का प्लैनेट है और वहीं पर तुम्हारा नाम एक लिटिल वॉरियर की तरह रखा जाएगा मार्सेलस, जिसका सिंपल मीनिंग होगा मार्सेल। और ये कहने के बाद उसको एक तरह से अपने बेटे की तरह अपनाता है, जिसे देख के पीछे खड़ा एलाइजा बोलता है शायद हमारे भाई की जिंदगी में थोड़ी होप है। और ये कहने के बाद अब प्रेजेंट टाइम में एलाइजा को याद करते हुए रिबेका बोलती है कि वो कभी भी अपने बेटे को हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा और क्लाउस उसे अपने बेटे जैसा मानता है। और कहीं ना कहीं मार्सेल में उसे अपने आप का बचपन भी दिखाता है जहां पर क्लाउस का पापा भी उसे जानवरों की तरह मारता था और हमेशा उसे मॉन्स्टर दिखाई देता था अपने पापा के रूप में और वो उसके दर्द को समझता था, इसलिए उसको अपना एक तरह से पेरेंटल फिगर बना के रखा उस मार्सेल के लिए हमेशा। और ये कहने के बाद बोलती है जो तुम प्लान सोच रही हो दोनों को भिड़वाने का वो नामुमकिन है, और वहां से फिर वो चली जाती है। और ये देख के हम देखते हैं कि सोफी एकदम हैरान खड़ी रह जाती है। अब हम देखते हैं क्लाउस को जो सीधा पहुंच चुका था बार के अंदर और वेट कर रहा था उसका मार्सेल,
और मार्सल बोलता है तुम इतने लेट कैसे हो गए, तब बोलता है मैं घर चला गया था और अब आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं आके बैठता है और वहां पर वो दोनों कैमिल को देखते हैं जो बैठ के पढ़ाई करने लग रही थी रेस्टोरेंट में। और तभी हम देखते हैं क्लाउस टोंट मारता है, बोलता है तुम इसे डेट करने वाले हो खाने वाले हो, और ये कहने का बोलता है शायद डेट करूं बट वो एक तरह से फिसल गई हाथों से और मेरे टाइप की थी नहीं। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है एक बार फिर ट्राई करो शायद पटी जाए, और ये कहने के बाद बोलता है नहीं यार कोई प्रॉब्लम आ गई है, पहले बिजनेस के बारे में बात कर ले, दो लोगों को किसी ने वैम्पायर में टर्न किया है पता नहीं कौन, और मिसिसिपी रिवर के पास मिल गए हैं दोनों और उन दोनों को उठा के ला रहे हैं, उनमें से सेलेक्ट करेंगे किसको रखें या किसी को मार दें, और ये सब करना जरूरी है। और ये कहने के बाद बोलता है कि हमको यहां से चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो कमिल वहां से जाने लगती है, और तभी क्लाउस कमिल को रुक के पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम पढ़ती क्या हो? और तभी कमिल बताती है कि मैं एक तरह से साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अच्छा साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो ऐसा करो मेरे दोस्त के बारे में बताओ, उसका दिल टूटा हुआ है और किसी लड़की की याद में मरे जा रहा है। और ये कहने के बाद देखते हैं कमिल बोलती है कि उसके साथ अच्छे से बिहेव करो शायद वो मान जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब सीधा मार्सल पूछता है कि कल क्या फिर तुम शाम को 9 बजे मिलोगी मुझे यहीं पर, और ये बोलने के बाद बोलती है हाँ शायद मिल जाऊं सोचूंगी, और ये कहने के बाद चली जाती है। तभी मार्सल बोलता है देख मेरा दिल तोड़ने के लिए रेडी बैठी है वो लड़की। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार थे उस बात को पता लगाने के लिए कि वो दो बंदे हैं कौन जिनको वैम्पायर में टर्न किया गया है। तभी हम देखते हैं कि हेली अपने घर से निकल के बाजार में आ जाती है, और तभी हम देखते हैं हर्ब शॉप पे जाते हैं जहाँ पर हर्ब शॉप बंद हो चुकी थी, बट बोलती है मुझे सिर्फ एक हर्ब चाहिए जिसका नाम ऑक्टियम है। ऑक्टियम बोलने के बाद बोलती है तुम्हें वुल्फ बेन चाहिए, वो तो वुल्फ को मार डालती है। और तभी हम देखते हेली बोलती है मुझे थोड़ी सी चाहिए जरूरत है, और ये कहने के बाद हम देखते हैं वापस दुकान खोल के उसको लाकर देती है और कहती है थोड़ी है बट तुम इससे करोगी क्या, और तुम किसी वुल्फ को मारने वाली हो। और ये कहने के बाद हेली बोलती है मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ और थैंक्स तुम पैसे रख लो। तभी हम देखते हैं और दुकानदार बोलती है पैसों की जरूरत नहीं है बट तुम्हें अगर ये चाहिए तो सीधे काम से चाहिए होगी, और उससे पैसे नहीं लेते हो। तभी हम देखते हैं हेली स्माइल करते हुए वहां से वुल्फ मेन लेके चली जाती है, और ये देखते हुए हम देखते हैं कि वो लड़की कॉल करती है और कहती है हमको अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए ना, तो मार्सल को बता दो कि टाउन में एक वेयरवुल्फ आ चुकी है और तुम उसे मार सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो कॉल करके अपने ग्रुप वालों को बताती है कि मार्सल को बता सके। अब हम देखते हैं मार्सल और क्लाउस आ जाते हैं एक बेसमेंट के अंदर, और वहां पर आने के बाद क्लाउस बोलता है कि ये कौन सी जगह है, तब बोलता है अभी हमको एक तरह का फैसला लेना है। और तब हम देखते हैं कि एक कार के और वैन के पीछे दो बंदे बैठे थे और जिनको एक तरह से ट्रांजिशन प्रोसेस में थे और ब्लड पीने के बाद शायद वो वैम्पायर बन जाए। और ये कहने के बाद मार्सल बोलता है वैसे मुझे वैम्पायर्स की कमी पड़ रही है, 6 तो मर चुके हैं अब मुझे और चाहिए। तभी हम देखते हैं डरने लगते हैं दोनों बंदे, और वहीं पर हम देखते हैं बोलता है कि तुम में से किसी एक को मैं चुनने वाला हूं, और तुम में से एक बनेगा वैम्पायर जो ब्लड पिएगा हमारे साथ रहेगा और हमारी लॉयल्टी बरतेगा बट दूसरे वाले को मरना होगा। तभी बोलता है क्लाउस मैं किसको मारूं, और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है इन पे छोड़ दो कस्टमर चूज करेंगे कौन मरना चाहता है कौन जीना चाहता है। और ये कहने के बाद मार्सल बोलता है हाँ ये बात सही कही। तभी हम देखते हैं कॉइन देता है और रख देता है और कहता है जो इसको पहले उठाएगा वो मेरी टीम में आएगा दूसरा मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो चॉइस देते हैं दो लोगों को, एक लड़की को जिसका बेस्ट फ्रेंड एक गे है। तभी हम देखते हैं कि लड़की उठा लेती है और ये देख के जो उसका गे फ्रेंड होता है वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और तभी लड़की बोलती है कि किसी को तो मरना ही है मैं क्यों मरूं तुम मर जाओ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं मार्सल क्या करता है, अपने लोगों को इशारा करता है और लोग उस लड़की को ही मार देते हैं। और तभी मार्सल बोलता है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं जो ज्यादा सेल्फिश होते हैं और जो ग्रुप में और दोस्तों की चिंता नहीं करते हैं। और ये कहने के बाद उस बंदे को उठाते हैं और दूसरी जो बंदी मरी थी वो बोलते हैं इसको कोल्ड स्टोरेज में पटक दो, लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं लड़का बहुत भी बुरी तरह से डरा हुआ था। तभी हम देखते हैं सारा सीन जैसे वो लड़के को गाड़ी में बैठा रहे थे, ऊपर रिबेका खड़ी सुन रही थी, और वहीं पर हम देखते हैं मार्सल फोन पे किसी से बात कर रहा था कि कोई पंगा हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका ऊपर सब देख रही थी मार्सल को खड़ा, और तभी वो एक फ्लैशबैक सीन देखती है जिसमें मार्सल को एक तरह से लड़ना सिखा रही थी और वहां पर उसको तलवारबाजी सिखा रही थी। और मार्सल अब भी बहुत ज्यादा बच्चा था रिबेका के आगे, बट अपना मास्क उतार के कहता है कि एक दिन रिबेका मैं तुमसे शादी करूंगा बड़ा होने के बाद। और ये कहने के बाद रिबेका हंसते हुए बोलती है हाँ शायद करना बट अभी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तभी हम देखते हैं प्रैक्टिस करते करते मार्सल अब बड़ा हो चुका था और हम देखते हैं कि वो अफेक्शनेटेड था रिबेका की तरफ और रिबेका भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वो दोनों करीब आने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं जैसे ही क्लाउस उनके पास आता है वो थोड़ी अपनी दूरी बना लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक तरह से उसकी पुरानी मेमोरीज कट होती है और वहां पर उसके सामने अब आके खड़ा हो चुका था मार्सल और बोलता है रिबेका माइकलसन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, लास्ट टाइम जब देखा था तुम भाग गई थी तुम्हारे बाप के डर से और वापस यहाँ करने के आई हो। तभी रिबेका बोलती है कि मैं तो एलाइजा को ढूंढने के लिए आई हूँ और शायद क्लाउस ने कुछ कर दिया है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ हाँ क्लाउस ने किया, इसका मतलब तुम्हारा फैमिली मैटर है, मैंने एक बात सीखी है कि मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में कभी बीच में ना पड़ूं वरना बेफालतू में मरूंगा। और तभी हम एक और फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां पर क्लाउस उसे वार्निंग दे रहा था और कह रहा था कि रिबेका के आसपास भी मत भटकना, अगर तुम भटके मेरे फैमिली के आसपास तो मैं तुम्हें कभी भी वैम्पायर नहीं बनाऊंगा
जिसके लिए तुम इतनी सब मेहनत कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि मार्सल बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, तुम मुझे हमेशा फैमिली कहते थे। और ये कहने के बाद मार्सल रोने वाला होता है और अब प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता एलाइजा के बारे में और तुम मुझसे पूछ ही क्यों रही हो। ये कहने के बाद बोलता है मुझे शायद डाउट था और इसलिए मैंने पूछा। और रिबेका ये कहने के बाद बोलती है कि अगर तुम्हें पता है कि एलाइजा कहाँ है तो याद रखना कि क्लाउस मारे ना मारे मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां से अब मार्सल चला जाता है और कहता है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। और अब हम देखते हैं रिबेका कुछ फीलिंग अभी भी रखती थी मार्सल के लिए। अब हम देखते हैं कि क्लाउस बार में बैठ के अपने ड्रिंक करने लग रहा था और तभी हम देखते हैं उसके पास आता है मार्सल और बोलता है कि तुम्हारी बहन टाउन में, तुमने बताया नहीं। और एक तरह से क्लाउस बोलता है शायद मैं चाहता था कि तुम उसको अपने आप फाइंड करो और तब ज्यादा अच्छा होगा। और तभी बोलता है मार्सल कि मुझे लगता है कि मेरे 6 वैम्पायर्स को भी इसी ने मारा है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इससे कोई मतलब नहीं है उससे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्सल के पास फोन आता है और यहाँ पर क्लाउस भी फोन सुनता है कि टाउन में एक वेयरवुल्फ आई हुई है। और वेयरवुल्फ का नाम सुनते ही मार्सल बोलता है कि उसको पहले मार दो और उसका कटा सर लाके मेरे कदमों में रख देना। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं बोलता है मुझे किसी काम से जाना है और मार्सल वहां से चला जाता है। और ये सारी सुनने के बाद अब क्लाउस को डाउट था कि शायद ये हेली है। तभी हम देखते हैं हेली वहां पार्क में अकेली बैठी थी, वुल्फ वेन उसने अपने ड्रिंक में डाल लिया था और वो पीने का ट्राई कर रही थी और कह रही थी हेली मैं पी सकती हूँ ये और इसके बाद सारी कहानी खत्म हो जाएगी और ये सारी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं 3 वैम्पायर उसके आसपास आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ क्वार्टर चल रही हो और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि हेली बोलती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं वैम्पायर। और तभी एक के मुंह पे वुल्फ बेन फेंक के मारती है और दूसरी तरफ भागने जाती है तो वहां पर 2 और वैम्पायर थे। और तभी हम देखते हैं रिबेका उन दोनों को मारती है और कहती है कि इनको वैम्पायर्स को तमीज नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी के साथ कैसे बात करते हैं। और बोलती है कि तुम मेरे साथ अब घर चलो। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका ने हेली की अब जान बचा ली थी। अब हम देखते हैं कि उन तीनों वैम्पायर्स की बॉडी को लेके क्लाउस घर आ जाता है और कहते हैं कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो जो तुम इतने टाउन में घूमने लग रहे हो, हेली तुम्हें साफ मना किया था घर से बाहर मत निकलना, यहाँ पर वेयरवुल्फ अलाउड नहीं है। वहीं पर रिबेका तुम अपने आप को क्या समझ रखी हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका गुस्सा आता है और कहती है कि एलाइजा ने तुम्हारे बच्चे के लिए सब कुछ दांव पे लगा रखा है और तुम उसकी केयर भी नहीं करते हो। और तभी हम देखते हैं कि एलाइजा की बात करने पर क्लाउस बोलता है कि मेरा सारा प्लान रेडी है, तुम्हें पता कि क्या फायदा, तुम वैसे भी 6 वैम्पायर्स को मार चुकी हो और तुम मेरा प्लान सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मेरा प्लान तो सुनो, मैंने सब कुछ पहले से सोच के रख रखा है। मैंने प्लान किया था कि मुझे पता है कि जितने भी मार्सल के पर्सनल है वो सारे रिवेंज लेते हैं जिससे कि मैं उनके कंपेल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नए वैम्पायर रिक्रूट करने के लिए उन 2 बंदों को मैंने जान से मारा था जिससे कि वो वैम्पायर बन सके। और उसके बाद मैंने उसको रिक्रूट करवाया, उसको हिप्नोटाइज किया रिवेंज लेने से पहले कि मैं वो मेरे अंडर कंट्रोल में रह सके। और ये करने के बाद मैंने अपना अंदर बंदा जासूस भेजा मार्सल के ग्रुप में। ऊपर से मैंने कमिल को एक तरह से फिर से हिप्नोटाइज करके कहा कि तुम मार्सल के साथ फिर से डेट पे जाओ जिससे कि उसके ध्यान भटका रहे। ये सब मैं कर रहा हूँ पूरे प्लान से, तुम्हें प्लान बताने का फायदा नहीं है, तुम्हें प्लान वैसे भी समझ में नहीं आएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका अब चुप हो जाती है। अब हम देखते हैं उन 3 में से 1 वैम्पायर अभी भी जिंदा था जिसको देखने के बाद क्लाउस उसको घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि मैं इसके अंदर से इसका पूरा ब्लड निकालूंगा जिससे कि रिवेंज का असर खत्म हो जाए और फिर उसको कंपेल करने के बाद वापस मार्सल की टीम में भेजूंगा जिससे मेरे लिए स्पाई करे मार्सल के अंदर से और ये बात मार्सल को पता भी नहीं चलेगी। और ये कहने के बाद अंदर लेके जाने लगता है उसको और दोनों मरे हुए को बाहर ही छोड़ देता है और कहता है कि अब मेरा प्लान रेडी है मार्सल के खिलाफ। अब हम देखते हैं जैसे ही अंदर आता है क्लाउस तो सीधा पूछता है हेली तुम वहां पर करने क्या गई थी और तुम्हें काम क्या था। वहीं पर हम देखते हैं हेली बोलती है कि बस मैं मरना चाहती थी और इस बच्चे को भी मारना चाहती थी क्योंकि तुम्हें किसी को भी परवाह नहीं है। और ये बोलने के बाद अब क्लाउस को गुस्सा आता है और उसकी गर्दन दबा देता है दीवार में लगा के। और तभी हम देखते हैं उसको रिबेका आके रोकती है और कहती है वो प्रेग्नेंट है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। और ये कहने के बाद रिबेका बोलते हैं मुझे पता है तुम उसकी चिंता करते हो और केयर करना दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दिखाते नहीं हो, दिखा सकते हो तुम कि तुम केयर करते हो और तुम अपनी फैमिली वापस क्रिएट करना चाहते हो पहले टाइप में, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि वो बच्चा हमारा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका उसको समझाने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि अब रिबेका पूछती है एट लास्ट तुम बता दो कि एलाइजा कहां पर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब एकदम शांति से क्लाउस नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैंने तो उसको एलाइजा को डैगर करने के बाद सीधा मार्सल को दे दिया एक तरह से पीस ऑफरिंग की तरह क्योंकि वो मेरे पे विश्वास कर सके। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुमने क्या किया, तुमने अपने भाई को दे दिया किसी और को और ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी क्लाउस बोलता है कि मेरा एक प्लान है हेली को बचाने का, इस बच्चे को बचाने का और पूरा प्लान मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं रिबेका टेंस हो जाती है कि तुम बास्टर्ड ने अपने भाई को एक तरह से दांव पे कैसे लगा दिया। अब हम देखते हैं कि रिबेका बाहर आके बैठ जाती है और बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। तभी हम देखते हैं हेली उसके पास आकर कहती है थैंक यू तुमने आज मेरी जान बचाई। और ये कहने के बाद बोलती है अब तो हम फैमिली है, मुझे जान बचानी थी। और रिबेका वहां बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि हेली पूछते हैं रिबेका से कि तुम्हारी कहानी क्या है मार्सल के साथ,
तभी हम देखते हैं कि अब रेबेका एक और फ्लैशबैक सीन दिखाती है जहां पर वो दिखाती है कि उसको बहुत ज्यादा प्यार हो गया था मार्शल से, और ये भी बताती है कि जिस जिसको उसने प्यार किया उसके भाइयों ने उसको मारते गए हैं, बट मार्शल उनको पता था कि परफेक्ट है और उसके भाई को बिना जाने वो प्यार कर बैठा। तभी हम देखते हो किस करने लगते हैं फ्लैशबैक सीन में, और तभी हम देखते हैं कि वो मार्शल से बोलती है कि मेरे भाई को पता चल जाएगा, और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां आता है और उसकी गर्दन पे तलवार रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मार दो मुझे कोई परवाह नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर रिबेका बोलती है कि तुम प्लीज इसको नहीं मार सकते हो, तुम्हें पता है परफेक्ट है, तुमने खुद पाल पोष के बड़ा किया है, तुमने इसके अंदर क्वालिटीज देखी है, तुमने इसको बड़ा किया है और तुम इसे इस तरह नहीं मार सकते हो। और ये कहने के बाद रिबेका को बोलता हाँ ये परफेक्ट है बट तुम्हें मैं इसके साथ नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई क्लाउस उसे फिर से डैगर कर देता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका मरने लगती है, और वहां पर हम देखते हैं कि मार्शल कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में हेली बोलती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा डैगर कर देता है, और तभी रिबेका बोलती है हाँ जब भी मैंने उसको एक तरह से डिस्कम्फर्ट दिया है उसने मुझे डैगर कर देना है। और ये कहने के बाद अब हेली बोलती है तुम चाहो तो अब भी ट्राई कर सकती हो मार्शल के साथ, और ये कहने के बाद अब रिबेका बोलती है अगर मैंने ट्राई किया ना तो मैं फिर से कॉफिन रेडी है नीचे बेसमेंट में, तो फिर से ट्राई नहीं करना चाहती है। तभी हम देखते हैं हेली उसको दो बड़े बड़े सिल्वर डैगर लाके देती है और कहती है कि ये लो दो डैगर्स, ये मुझे बेसमेंट में मिले तुम्हारी कॉफिन के पास। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब हेली बोलती है कि यही चीजें तुम्हें रोक रही थी ना अलाइजा को पाने के लिए, अब तुम उसे जाके पा सकती हो और जो मर्जी है वो करो। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब रिबेका खुश हो जाती है, उन दोनों डैगर को अपने पास रखती है और हेली को थैंक्स कहती है और कहती है कि अब अलाइजा को ढूंढने का प्लान शुरू करना है। अब हम देखते हैं रिबेका सीधा पहुंचती है मार्शल के पास, वहीं हम देखते हैं मार्शल अभी डेट पे था कमील के साथ, और कमील को वो कैमी बुला रहा था और कह रहा था कि डेट कैसी लगी और मैंने पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए खाली करा दिया है। तभी हम देखते हैं रिबेका वहां आती है और बोलती है कि अच्छा तुम्हारी हर चीज ब्लॉन्ड के साथ होती है क्या, और तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में लगाती है और कहती है कि मुझे अलाइजा चाहिए और पता चल चुका है कि तुम्हारे पास ही है वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि अब रिबेका और मार्शल वही किसिंग सीन याद करते हैं जो उन्होंने एक साथ किया था और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है मुझे पता है मुझे तुम जान से नहीं मारने वाली हो और तुम उसे प्यार करती हो। तभी हम देखते हैं रिबेका दूसरी तरफ भागती है और स्पीड से जाने के बाद कमिल के गर्दन पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें नहीं तो इसको मार दूंगी, और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है रुक जाओ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा उसके पास इसको छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि रिबेका उसको छोड़ देती है और ये सब देख के कैमी बोलती है कि तुम ये सब करके आ रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम हो क्या। तभी हम देखते हैं कि मार्शल उनके पास जाता है और उसको हिप्नोटाइज करके कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओगी और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तभी हम देखते हो कमिल की याददाश्त भुलाता है और सीधा लेके जाता है रिबेका को उसके घर के अंदर, और वहां पर हम देखते हैं क्वार्टर्स के अंदर लेके जाता है, और तभी हम देखते हैं रिबेका अंदर नहीं आ पाती और तभी वो बोलता है कि इस क्वार्टर की ओनर को बुलाता हूं और तभी तुम अंदर आ सकते हो, और बोलता है डेविना तुम यहां पर आ सकती हो और इनको इनवाइट करवाओ। फिर हम देखते हैं कि अब डेविना उसको अंदर तो बुला देती है, मार्शल से पूछती है कि है कौन, तभी मार्शल बताता है ओरिजिनल फैमिली से बिलोंग करती है और उसको मारना नामुमकिन है। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने भाई की लाश के पास जाती है और डैगर निकालने की कोशिश करती है, पर डेविन अपनी पावर से वापस डैगर डाल देती है और कहती है हमने कब कहा कि तुम इसे लेके जा सकती हो। और ये कहने के बाद अब डेविना बोलते इतनी भी बुरी नहीं है ये, और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है ये मुझसे बहुत बुरा बिहेव कर रही थी और ये मेरे से अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी आज, और ये कहने के बाद डेविना बोलती है तो इसको सजा मिलनी चाहिए और इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो रिबेका को हवा में उछालती है, दीवार पर पटकती है, छत पर पटकती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है और कहती है कि जो मैंने चाहूंगी वो करूंगी। तभी हम देखते हैं ये देख के मार्शल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि रिबेका बाहर जाके गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि अब रिबेका बेहोश थी और तभी उसे एक तरह का ड्रीम आता है जो उसका पास्ट लाइफ का था, और वहां पर वो देखती है कि एक तरह से होश में आती है और उसके भाई ने उसका डैगर निकाल दिया था, और ये कहने के बाद बोलती है बास्टर्ड तुमने मुझे डैगर मार के रखा और आज डे कौन सा है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है आज तो संडे है, और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मुझे एक हफ्ते से डैगर करके रखा हुआ है तुमने, और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है नहीं एक हफ्ते के लिए नहीं अब 52 इयर्स हो चुके हैं तुम्हें डैगर करे हुए। और ये देखे गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मार्शल कहां पर है, और तभी वो बोलता है मार्शल मैंने उसे दो ऑप्शन दिए थे तुम्हारे साथ एक ह्यूमन लाइफ जिए या फिर उसकी जो ड्रीम था वैम्पायर बनने का या वैम्पायर बन जाए, उसने तुम्हें छोड़ के वैम्पायर बनना जरूरी समझा। और ये कहने के बाद रिबेका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, बट तभी हम देखते हैं कि वहां पर मार्शल आता है 1887 में और ये देख के उसका दिल टूट चुका था। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में बाकी खुलती है रिबेका की और उसके सामने मार्शल खड़ा था और बोलता है कि तुमने डेविना का एक तरह से अपसेट कर दिया इस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है और अगली बार से ऐसा कोशिश मत करना, ये टाउन मेरा है ये घर मेरा है ये सब कुछ मेरा है और जो मैं चाहूंगा वो करूंगा और अभी तो अलाइजा भी मेरा है, तो अगली बार से कैमी को छूने की कोशिश मत करना और यहां से तुम जा सकती हो और हमें तंग करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि इस टाइम पे अब रिबेका का लगभग दिल टूट ही चुका था।
अब हम देखते हैं कि क्लाउस घर के अंदर था और हेली को सोता हुआ देख के उसके कमरे में आता है और वहां पर वो देखता है कि वुल्फ वेन की डोप बोतल में से एक में से वुल्फ वेन गायब थी और दूसरे को स्मेल करने लगता है। और तभी हम देखते हैं हेली जगी हुई थी और बोलती है कि मैंने नहीं ली है और उसको तुम ड्रिंक मत करना, तुम मर सकते हो। तभी क्लाउस बोलता है तुमने फिर ट्राई क्यों किया, और एक कहने के बाद बोलती है कि मेरी एक तरह से होप छूट चुकी थी इस लाइफ से और ऊपर से मैंने फिर इसको नहीं पिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबैंडन्ड किया, मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया और मेरे पास होप थी कि मैं किसी और बच्चे की जिंदगी नहीं छीनना चाहती हूँ और मैं एक तरह से जिंदगी से हार चुकी थी। और ये कहने के बाद बोलती है बट मैं इस बच्चे की पूरी केयर करूंगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है हाँ मैं भी गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मुझे भी कभी किसी ने प्यार नहीं किया और इतना अफेक्शनेट नहीं हुआ कोई भी मुझसे और ना मेरी केयर करी और मैंने भी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हेली को कहता है कि हम इस बच्चे को ध्यान से रखेंगे और ऊपर से मैं एक तरह से फादर फिगर बन के भी रहूंगा। और ये कहने के बाद अब हेली पूछती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और तभी बोलता है हाँ तुम पूछ सकती हो। तभी वो पूछती है कि तुम्हारे और मार्शल के बीच में इतना सब अच्छा चल रहा था तो फिर तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई। और ये कहने के बाद क्लाउस समझाता है कि हम पहले एक फैमिली जैसे थे, वो मेरे बेटे जैसा था, बट हमको न्यू ऑरलियंस छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे फादर ने अटैक कर दिया था और हमें जान बचा के भागना पड़ा, बट इसने यहाँ पर रुककर अपना पूरा किंगडम बसा लिया और एक तरह से हमको ही किक आउट कर दिया हमारे घर से, हमारी एक तरह से पूरे एम्पायर से और हमारी पूरी पावर सीनली सत्ता पलट कर दी। अब मुझे वापस चाहिए, एम स्टैंड फॉर माइकलसन ना कि मार्शल, और वो मुझे वापस चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे मार्शल को रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े, जो होकर रहेगा। और ये कहने के बाद बोलता है कि यहाँ का एसी सही करा देता हूँ, तुमसे ढंग से नींद आएगी कल से। और वहां से जाने लगता है बड़ी तेज गुस्से में। और तभी हम देखते हैं सामने से आती है रिबेका और बोलती है सारी सिचुएशन कैमी से जुड़ी हुई है और तुम सही थे। अब फिर बोलती है रिबेका तुम्हें पता है उसकी सुपर पावर क्या है, किसकी वजह से मार्शल इतना पावरफुल है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस पूछता है हाँ तुम बताओ क्या चीज है। और तभी रिबेका बोलती है चीज नहीं है, पूछो कि वो कौन है। वो एक लड़की है जिसका नाम डवीना है। और ये कहने के बाद बोलता है शायद वो एक विच है। तभी रिबेका बोलती है हाँ एक विच जो इतनी पावरफुल है एक ओरिजिनल को टक्कर दे सकती है, उसने मुझे टक्कर दे दी, एक तरह से मुझे जान से मारने की भी कोशिश की और वो बहुत ही पावरफुल है, इतनी बड़ी पावर मैंने कभी पहले फील नहीं की और विच के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी क्लाउस बोलता है तुम उसकी लोकेशन बताओ, हम वहां जाने वाले हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका सोचने लगती है बट उसे लोकेशन याद नहीं आती और बोलती है क्लेवर बिच ने मेरी मेमोरी मिटा दी कि वो लोकेशन कहाँ की है और वो इतनी पावरफुल है और मार्शल के साथ है और मार्शल के पास हमारा भाई एलाइजा है और शायद वो उसे भी मार दे क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। क्लाउस तुमने अपने भाई की जान एक खतरे में डाल दी अपने सिर्फ फायदे के लिए, और उस घर में ऐसा क्या है, फैमिली नहीं रहेगी तो घर का क्या सर में मारोगे, अब फैमिली के बारे में सोचो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि दोनों कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने फैमिली को फिर से रीयूनाइट करने के लिए और एक तरह से शपथ लेते हैं कि वो एलाइजा को छुड़ा के रहेंगे। अब हम देखते हैं कि लास्ट सीन में मार्शल जाता है उसी विच डवीना के पास और वहां पर बोलता है कि तुम्हें डरा तो नहीं दिया उसने, और बोलते हैं नहीं मुझे रिबेका ने बिल्कुल भी नहीं डराया और मैं बिल्कुल सही हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है शायद इनको यहाँ पर टाउन में होना ही नहीं चाहिए और इनको कैसे भगाओगे तुम। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है शायद इनको मारना पड़ेगा, और तभी डवीना बोलती है कि ऐसा हथियार जो इन्हें मार सके, और तभी मार्शल बोलता है तुम्हें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम एक ओरिजिनल को कैसे मार सकते हैं। और यहीं पर एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। तो गाइस ये ओरिजिनल था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वैम्पायर डायरीज के बाद ओरिजिनल। और यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं, अब ये भी ओरिजिनल वैम्पायर्स को मारने का ट्राई करेंगे, क्या इनको ये बात नहीं पता है कि इनकी पूरी ब्लड लाइन मर सकती है, और ये सब पता करेंगे बाद में। अब देखते हैं डवीना इतनी ज्यादा पावरफुल विच बनी कैसे है और क्या है इसके पीछे की स्टोरी, हम अगले एपिसोड्स में जानेंगे। और जानेंगे कि कमील के पीछे सब लोग इतने क्रश खा के क्यों पड़े हैं, वो तो एक सिंपल ह्यूमन है, और उस बंदे गे वैम्पायर का क्या होगा जो क्लाउस ने एक तरह से हिप्नोटाइज करके जासूस बना के मार्शल की सेना के अंदर भेजा हुआ है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। बट कुछ थ्योरीज के बाद मैं कहना चाहता हूँ गाइज, मैं वैम्पायर डायरीज और ओरिजिनल दोनों एक्सप्लेन करूंगा, साथ में एक्सप्लेन करूंगा, दिन में 2-3 एपिसोड डालूंगा। बट आपको एक चीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, 500 प्लस लाइक्स करने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है और यहाँ पर सब्सक्राइब बढ़ाना है। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे डबल मेहनत मैं इस चैनल पे करूंगा क्योंकि हमारा फैमिली चैनल है, आपका चैनल है, मेरा चैनल है, सब मिलके मेहनत करेंगे इस चैनल को ग्रो करने में और मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा इस चैनल में। तब तक के लिए घर पे रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।